नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। तो जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में बताया था, जब 15 मिनट के कैंडल चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तभी से मैंने एक 900 से 1000 पॉइंट्स का छलान होने का ऐलान किया था। बैंक निफ्टी को थोड़ा अगर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूंगा 3 स्टॉक्स जो आने वाले कुछ दिनों में आपको मोमेंटम दे सकता है और बहुत अच्छा आप पैसा बना सकते हो। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें डेली कैंडल चार्ट में, तो आपको क्लियर नजर आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, आपको मोमेंटम कम समय के लिए पता चलता है, लेकिन बिग टाइम फ्रेम में आपको पूरा क्लैरिटी के साथ पता चलता है कि कहाँ जाने वाला है निफ्टी। मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया, टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो प्राइस एक्शन के ऊपर हम चेस करते हैं मार्केट को। तो नीचे W पैटर्न बना था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, रिट्रेस होके ऊपर गया। ये स्वाभाविक है, जब भी डबल बॉटम या W पैटर्न बनता है तो मार्केट में ग्रोथ आता है। उसके बाद फॉलिंग वेज या फॉलिंग चैनल को ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे हम बुलिश हो गए थे और कंटिन्यूसली हम बुल प्रेस में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है, जो पहले भी मार्केट वहाँ पे रेजिस्ट करके आ चुका है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करके थोड़ा रिट्रेस होगा, यहाँ से एक नया हाई बनाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको जानने के लिए सिंपली मैं आकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ, तो मुझे क्लैरिटी आ जाएगा। जनरली मैं हाईज लो जानने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ। तो हल्का सा यहाँ पर ये हाई लो को मगर ले जाता हूँ, तो क्लियर पिक्चर आ जा रहा है कि यहाँ तक आएगा मार्केट, क्योंकि ये हाई है। मे बी आप मोबाइल्स पे होंगे, मैं सिस्टम में हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई मतलब लगभग उसके आसपास हो सकता है, मैंने एक रेखा दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एग्रीगेट है 39,800। आप 39,900 या 40,000 तक आप सोच सकते हो। तो 39,900 मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ पहले का जो हाई है उस वहां तक। तो पहले का हाई जो है 39,950 को आप ले सकते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर यहाँ तक आ जाएगा क्या। टाइम को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। टाइम को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे कोर्सेज में सारी डिटेल्स बताए गए हैं, लेकिन मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली रैली नहीं करता। मार्केट यहाँ गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और ये रेजिस्टेंस पे थोड़ा हल्का सा नीचे आएगा और फिर से जाके यहाँ तक जाएगा। अगर लगभग 2 हफ्ते के बारे में बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट 40,000 तक देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी। अगर आने वाले 2-3 दिन या 5 दिन के लिए बात करें, तो अभी कल आने वाला है आपका बैंक का RBI रिपोर्ट। RBI रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट अगर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आपको बैंक निफ्टी, और अगर आप खुद लिए हो तो आप बहुत खुश होंगे, 38,400 या फिर 38,250 तक देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं 38,400 का टारगेट देता हूँ डाउनसाइड में अभी के लिए, और एक हफ्ते के आखिर में मतलब अगले हफ्ते इसी समय के वक्त मार्केट फिर से एक रैली देने के लिए लग चुका होगा गुरुवार तक। तो नेक्स्ट वीक तक हम 40,000 का निफ्टी सोच सकते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ये सब सीखना है कैसे हम टारगेट लेते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, कैसे रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ से रिट्रेस होगा, इंडिकेटर्स कैसे यूज होगा, ये सब जानना है तो हमारे कोर्सेस में सारे डिटेल्स में बताए जाते हैं। अभी चलिए कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जिसमें आप पोजिशनली पैसा बना सकते हो। पहला है क्राइसल। क्राइसल के बारे में बात करें तो फंडामेंटली मैं चेक कर चुका हूँ। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अभी उसके फेयर वैल्यू में आधे में ट्रेड हो रहा है। यहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटी है, पैसा यहाँ से डबल बन सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेड में स्टॉक करना चाहते हो। अगर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए देख रहे हो तो फिर भी मैं रेटिंग एजेंसी के ऊपर बहुत ही बुलिश हूँ, क्योंकि इनका जो मार्केट है वो बहुत बढ़ रहा है। ट्रेडिंग के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में डाउनसाइड एक मार्केट में ट्रेंड देखने के लिए मिला है कुछ दिनों से, मार्केट जब गिरा है। लेकिन
यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। मैं यहाँ पे क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहा हूँ और यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट प्राइस ऊपर जाके नीचे आ चुका है। मैं आशा करता हूँ यहाँ से प्राइस 35,015 उसके बाद 4,102 तक जा सकता है। तो आप अगर पोजिशनल इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। स्टॉप लॉस के बारे में बताऊं तो लगभग आप स्टॉप लॉस 3,100 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं, सेकेंड टारगेट को हम स्टॉप लॉस लेंगे, सेकेंड टारगेट को हम लेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तकरीबन 1:5:2 आ रहा है। सॉरी, मैंने बाइंग गलत जगह में ले लिया। रिस्क रिवॉर्ड आपको तकरीबन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता जाए तो 190 रुपये का लॉस हो सकता है और 800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 200 रुपये का लॉस और प्रॉफिट आपका 800 रुपये का, मतलब 4 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं लॉस के हिसाब से। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स ये रिकमेंड मुझे किए हैं और मैंने जब बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा सा स्टॉक हो सकता है। सेकंड अगर मैं जाऊँ तो एलजी बालकृष्णा एक स्टॉक है, एलजी बालकृष्णा, ये ऑटो एंसिलरी में है। ये कंपनी क्या बनाती है कि चेन्स पॉकेट्स ये सब बनाती है। ऑटो में हमने अच्छा रैली देखा और गुड न्यूज़ ये है कि ऑटो एक हमारा की इंडिकेटर इकोनॉमी का और उसमें बहुत ही अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है। अगर ऑटो सेल्स अच्छा होता है तो ऑटो एंसिलरी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं फॉलिंग वेज बना है, रेजिस्टेंस तोड़ा है, उसके बाद रिटेस्ट हुआ है, प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाने के लिए है। तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। अगर सेफ बाई करना चाहते हैं तो 11 रुपये के ऊपर बाई कीजिए या 12 रुपये के ऊपर बाई कीजिए। अगर नहीं आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो 10-25 का ट्रेड है, कल हो सकता है मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो लेकिन आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो तकरीबन 9 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट इस हाई पे ले लेंगे 14 रुपये का। और जितना मैंने फंडामेंटल देखा, प्रमोटर होल्डिंग 35% है जो कि जो थोड़ा लो है और शेयर कैपिटल थोड़ा रेज कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर भी ऑटो एंसिलरी में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, मैं ऑटो एंसिलरी भी फोकस करता हूँ। तो आप अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं 9 रुपये के स्टॉप लॉस में। उसके बाद MGL जो कि महानगर गैस है, गैस और पेट्रोलियम स्टॉक्स में बहुत ही बेयरिश हैं लोग, बहुत ही अच्छा डिविडेंड है लोगों के लिए। इनके जो पेयर्स कंपनी है जैसे आपका हो गया IOC, BPCL, HPCL, लेकिन थोड़ा क्यों ना ऑयल एंड गैस को अवॉइड कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पे आज अगर देखें तो बाय मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। अगर यहाँ पे कम समय के लिए देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो कि बुलिश पैटर्न है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर मैं वीकली कैंडली चार्ट के हिसाब से ट्रेड एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट लगभग 909 तक हो सकता है। उसी तरह स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे कहाँ पे, इस कैंडल के नीचे तकरीबन 834 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात किया जाए तो ऑलरेडी ये स्टॉक ब्रेकआउट दे भी चुका है। अगर हम ऐसे ट्रेंड एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट का साइन आ रहा है कि नीचे आने के बाद इसको ब्रेकआउट होने पर आप खरीद सकते हो। तो अगर ये स्टॉक आप लेना चाहते हो तो फंडामेंटली अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है, स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना भूलिएगा मत। मार्केट में ये स्टॉक हमको अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है डे कैंडल चार्ट में। तो फिर इसमें ये चैनल के बीच में ट्रेड होने का चांसेस है, प्राइस अगर गिरेगा तो यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो 7,650 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत अच्छा टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जनरली हम वैसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो ग्रोथ हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसे खरीदते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। लेकिन जब आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तभी आपको ऐसे स्टॉक्स चुनना चाहिए जो गिर रहे हैं, रिवर्सल होने पर बहुत अच्छा पैसा बनता है।
तो इंट्राडे के लिए छोटे मोटे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बाय विनर्स हो सकता है, लेकिन आप अगर पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो अच्छा लगता है आपको, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न्स मिलते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड में हम हमेशा रिवर्सल को देखते हैं, प्राइस गिरता है तो हम खरीदते हैं। तो मैंने क्राइसिल बताया, एमजी एलजी बालकृष्ण बताया और एमजीएल बताया, तीनों स्टॉक्स आपको शेयर कर दिया है। फिलहाल तो कोई और अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे, अगर मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। आपके नज़र में अगर कोई स्टॉक्स है तो जरूर बताइए कमेंट में। एक हमारे फैन ने, फॉलोअर्स ने बताया था ग्लेनमार्क के लिए, तो उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा अगर देखा जाए तो फॉलिंग वेज बन रहा है। ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर थोड़ा ट्रेंड लाइन डाला हुआ है, फॉलिंग वेज बन रहा है वीकली कैंडल चार्ट पे। अगर यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में भी आप देखें तो फॉलिंग वेज बन रहा है। अगर आप सिर्फ डे कैंडल चार्ट देखेंगे, सिर्फ इस लास्ट आखिर का हिस्सा, तो एक सेमेट्रिक ट्राइंगल है। तो सेमेट्रिक ट्राइंगल पे हम थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं। जैसे आप अगर बेबी फिल्म देखे होंगे, वहां पे अक्षय कुमार रिलीजन वाला चलता था। कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। ऐसे पैटर्न जब बनता है हम होल्ड बताते हैं, तो आप बाय कर सकते हो। बाय सिग्नल तभी आएगा जब 400 के ऊपर जाए, ये रेजिस्टेंस टूटे। मैं आपको को ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है? तो अभी हमारे लिए होल्ड है। प्राइस अगर 400 के ऊपर जाता है तो बाय है, आपको टारगेट मिल सकता है 420, उसके बाद आपको टारगेट मिल सकता है डायरेक्ट 470 तक। उसी तरह स्टॉप लॉस मेंटेन करना ना भूलें। अगर इस स्टॉक में है, होल्ड कर रहे हो, तो आपको 358 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर गिरा तो लेने के देने हो जाएंगे आपको। लगभग लो कहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, गिरेगा तो 320 तक। तो इतना बड़ा नुकसान ना उठाए, छोटे मोटे लॉस में बुक कर ले, वही पैसा और एक जगह पे लगा के आप अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। आशा करता हूँ जितने भी मैंने रिकमेंडेशन दिया है उन सब पे आप स्टडी करें। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पोज़ के लिए हैं। अगर आपको शेयर्स अच्छा लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड।